हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल अभिषेक केडिवल्स। अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस, क्लास 12th इंग्लिश प्रोज। इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने 5th पैराग्राफ कंप्लीट किया हुआ था, तो इस वीडियो में हम 6th पैराग्राफ से इसे देखेंगे, जो कि ये राइटर विलियम सी डगलस जी एक विजिट पे आए हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वो यहाँ की कंडीशन को बता रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोग उस टाइम में थे और रेफ्यूजीज की कंडीशन क्या थी, उन्होंने एक विजिट पे की हुई थी। तो सिक्स पैराग्राफ इज दिस। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज। जो बच्चे बास्केट्स बेच रहे थे, टोकरियां बेच रहे थे, वे इन रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के जो है बच्चे और बच्चियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे या तो उनके माता पिता या उनके संबंधी सभी सिटीज में, शहरों में एकत्रित हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स और छोटे छोटे जो है दुकानें लगाते थे। ये स्टॉल्स मतलब जो ओपन थी, जो फिक्स नहीं थी। मैन्युफैक्चरिंग बनाते थे सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी वस्तुओं को ये बनाते थे, साधारण वस्तुओं को। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। एक ऐसे मार्केट में, एक ऐसे बाजार में वे रहने का प्रयास कर रहे थे जो कि ऑलरेडी भीड़ भाड़ वाला था। ऑलरेडी वो जो है भीड़ वाला हो गया था, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, मतलब वहाँ सर्वाइवल का एक विशेष, कहा जाए तो हार्ड टाइम चल रहा था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वे जो है कपड़ों के, मतलब तंबू या जो घास है छप्पर वाले शेड्स में रहते थे, जो कि स्ट्रीट्स में कतारबद्ध थी। जैसे आप देखते हैं जो आते हैं, जो बैगवान टाइप का जो लोग होते हैं वो आते हैं और उन्होंने टेम्प्रेरी कैंपिंग कर लेते हैं, उस तरह से। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, जो इन शरणार्थियों में जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, हैड बीन accustomed, वे आदति हो चुके थे, अभ्यस्त हो चुके थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम। थोड़ी ही जो उनकी वार्षिक इनकम थी वो थोड़े में ही, और एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड, मतलब वो थोड़े से में ही, जो वहाँ के किसान थे वो थोड़े में ही अपना एक्सपेंडिचर जो है कर लेते थे, वो अपने खर्चे को कर लेते थे, कंप्लीट कर लेते थे। और जो उनकी क्या कह रहे हैं, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, मतलब उनकी जो वार्षिक आय कहा जाएगा, एनुअल इनकम, वो औसतन जो है $100 $100 से भी अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, और जो एवरेज औसत जो है, जो कुशल कारीगर नहीं थे, जो कुशल श्रमिक नहीं थे, वे लगभग 30 सेंट एक दिन में कमाते थे, और लेस देन $2 अ वीक, या एक सप्ताह में $2 से भी कम इनकम उनकी होती थी। देर इज वन मील अ डे, और उनको केवल एक दिन में जो है एक ही भोजन मिलता था, एन ओनियन, उस भोजन में क्या था, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक जो है रोटी, बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी भर दाल, विद मिल्क, मिल्क भी था, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, और शायद किसी किसी को जो है बकरियों के पनीर, मतलब बकरियों के दूध के पनीर भी मिल जाते थे। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मिल्क, इन चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं थी। कॉफी है ना, फैट, स्वीट्स, जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल हो रही हैं, तो ये तो जब आदमी लग्जरियस लाइफ जीता है तो उसमें हो पाती है। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, मतलब एक वर्ष में जिनकी इनकम $100 भी नहीं थी, या एक वीक में जिनकी $2 भी नहीं थी, येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। तो ऐसे में जो जहाँ के लोग, किसान इतने गरीब हैं, तो वहाँ पे कितना कठिन परिश्रम, हार्ड टू अर्न कठिन परिश्रम होता था कि वे बच्चे बच्चियाँ अपने बास्केट्स को बेचें, टोकरियों को बेचें, कि जो लोग खुद ही इतने गरीब हैं कि किसी तरह से भी रह सकते हैं, या इतने गरीब हैं कि वो उन बास्केट्स को खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस, यही शायद रीजन था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि राइटर के ऊपर जो है ये सब बच्चे एक टिड्डे की भांति टूट पड़े, डिसेंड हो गए। आई एन अमेरिकन राइटर, और जो राइटर ऑफ द लेसन है वो एक अमेरिकन है, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निश्चित रूप से वे उन सबों के लिए, उन बच्चों के लिए एक अच्छा, मतलब ग्राहक हो सकते हैं, या एक अच्छे मार्केट के द्योतक थे। तो इस तरह से ये अपने
अपनी फीलिंग बता रहे हैं उन बच्चों को देख करके। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, आई बट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अन्नाज, एक बास्केट को उन्होंने कुछ अन्ना में जो है कुछ अन्ना में खरीदा, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और दूसरा जो है उन्होंने फल के लिए खरीदा कुछ और पैसे बढ़ा करके, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, और एक रूपी में एक वेस्ट पेपर का बास्केट था, अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रूपी, और एक सिला हुआ जो बास्केट था उसको भी एक रूपये में, और फ्यू फैंस फॉर एन अन्ना और टू रूपीज, और कुछ जो उन्होंने फैंस खरीद लिए कुछ अन्नों में या कुछ पैसे में, मतलब ये कुछ फैंस इन्होंने ले लिया एकाध अन्ने में। माई आर्म्स वर फील्ड, इनके जो है इन्होंने इतनी खरीदारी कर ली थी कि इनके जो आर्म्स थे, जो इनके हाथ थे, वो भर गए थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और अभी इन्होंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और जो बच्चे थे वे पास्ड इन, मतलब अपने जो शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने जो साजो सामान थे उन सबको वो मतलब बेच रहे थे, उनके पास पास दिन मतलब आते गए और सामान बेच रहे थे कि ये सब का सब सामान खरीद लेंगे। आई वॉज अ प्रिजनर, कह रहे हैं वो एक प्रिजनर की बात, कैदी की बात हो गई थी, कंप्लीटली सराउंडेड, उनसे घिर गए थे पूरी तरह से, अनेबल टू मूव, वहां से ये गति, वहां से हिलने में ये हिल नहीं सकते थे, इतना भीड़ मतलब उनके अगल बगल लगा दिए थे। द मोस्ट डिलीजेंट, एक बहुत ही परिश्रमी, अग्रेसिव वेंडर, एक अग्रेसिव वेंडर का मतलब ये है कि वो अपना सामान बेचने के लिए वो अग्रेसिव थी, अदरवाइज अग्रेसिव का मतलब आक्रामक होता है, लेकिन यहाँ एक कन्विंसिंग, मतलब जो कन्विंस कर ले, उस मोड की बात हो रही है। वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक ऐसी लड़की जो सुंदर है, और नाइन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, उनके सामने एक 9 साल की ऐसी लड़की खड़ी थी। फिर कह रहे हैं सी हैड अ लवली बास्केट विद अ हैंडल, उसके पास एक, उस लड़की के पास एक बहुत सुंदर बास्केट थी जिसमें हैंडल लगे हुए थे, एंड सी वांटेड अ रूपी एंड अ हाफ फॉर इट, और उसके लिए वह एक रुपया, मतलब वो अ रूपी एंड हाफ, मतलब 1.5 रुपये वह मांग रही थी, और अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट्स वह मांग रही थी। सी वॉज एन ऑनेस्ट प्लीडर, और वह एक ऑनेस्ट, एक गंभीर कह लीजिए, गंभीर अपनी प्लीड कर रही थी, वो ऐसे कर रही थी कि उसकी बास्केट्स की खरीदारी हो जाए। देर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, वो ऐसे प्लीड कर रही थी, ऐसे बेग्ड कर रही थी कि वो किसी की, उसका जो लहजा था उससे किसी का भी जो हृदय है वो रिंग कचोट उठ सकता था, मतलब किसी का भी हृदय हुआ कचोट सकती थी, कुछ इसका कुछ उस लड़की का इस तरह से मैनर था। तो इस तरह से ये भी पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ, माय आर्म्स वर फुल, अब चूंकि उनके हाथ तो पूरे भरे हुए थे, उनके पास जगह बिल्कुल नहीं थी, आई हैड नो रूम, उनके पास जगह नहीं थी, रूम का मतलब है जगह से स्पेस, उनके पास कोई जगह नहीं थी, लेट अलोंग एनी नीड, और कोई आवश्यकता भी नहीं थी उनको फॉर अनदर बास्केट्स, कि दूसरी टोकरियां लेने को वो लें। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, उन्होंने बैलेंस करते हुए, मतलब बैलेंस करते हुए उन टोकरियों को, उन फैंस को अपने लेफ्ट, मतलब लेफ्ट आर्म में, बाई हाथ में जो है वो बैलेंस करते हुए टोकरियों और फैंस को, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, ये जो इनकी राइट पॉकेट थी कोट की, वहां पे उनका हाथ पहुंचा उस पॉकेट में, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और वो क्या पाए, एक चेंज जो कहते हैं, पैसे जो चेंज होता है रेजगारी से कहते हैं, उसको ये प्राप्त करते हैं। परहैप्स 15 सेंट्स, शायद वो लगभग 15 सेंट्स होंगे, इन ऑल विच आई डिपोजिट इन द बास्केट, ये सब पूरा का पूरा उन्होंने डिपोजिट कर दिया, डाल दिया उसकी बास्केट में, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो कि वो छोटी सी लड़की इनके सामने इम्प्लोरिंगली खड़ी थी, इम्प्लोर उन्हें प्रार्थना करना होता है, तो यहाँ याचना पूर्वक या प्रार्थना पूर्वक खड़ी थी कि वो उसके टोकरी को ले लें। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि ये जो है बास्केट को नहीं खरीद सकते थे, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्सिट्यूट, लेकिन उन्हें उपहार स्वरूप उनको कुछ देना चाहा, खरीदने की बजाय सब्सिट्यूट उसके बजाय जो है कुछ उपहार स्वरूप देना चाहा, ऐसा उसको उन्होंने कन्विंस किया। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, और इनको तुरंत आभास हो गया, तुरंत ये महसूस कर लिए कि उन्होंने किस प्रकार का एक अपराध कर दिया था, एक अपराध कर चुके थे, ऑफेंस बने अपराध। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स, वो लड़की जो 9 वर्ष की थी वो कपड़े, गंदे कपड़े पहने थी, रैक्स थी, वो उसके कपड़े बिल्कुल भद्दे थे, गंदे थे या कटे थे, टॉर्न थे, एंड ऑन द ईज ऑफ
एंड ऑन द इज ऑफ स्टार्वेशन और बिल्कुल भुखमरी के कगार पर थी, रेस्ट हर चीन, अपने चेहरे को ऊंचा किया, मतलब तनी रीच्ड इन टू द बास्केट, बास्केट में हाथ डाला एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और बिल्कुल एक महिला की भांति, एक जो महिला का जो महिला की जो गंभीरता होती है उस गंभीरता की तरह हैंडेड द मनी बैक टू मी, उनको उन्होंने बैक टू हिम कर दिया, जो सारी जो मनी उन्होंने डाला था वह सारी की सारी जो है मनी उसने क्या किया, उनको दे दिए राइटर को। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, और वहां पे राइटर केवल एक काम कर सकते थे, क्या, आई बॉट द बास्केट, उन्होंने बास्केट को खरीदा, सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंख को पोंछा, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराया और प्लेटफॉर्म की तरफ भागी, ही डिड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उस जो घास की झोपड़ियों की तरफ भागी, और इस मतलब खुशी में कि आज तो उसके पास लगभग 30 सेंट्स होंगे, मतलब आज उसकी वो जो है 30 सेंट्स की कमाई उसकी हो गई थी कुछ इस अंदाज में। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस स्टोरी को उन्होंने इस इंसिडेंट को उन्होंने साझा किया पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, उन्होंने बताया कि केवल एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिससे कि भारत के लिए उनका प्रेम, वो जो है भारत के लिए उनका प्रेम जागृत हुआ, या भारत से उनकी बहुत ही अच्छी कहा जाए कि एक इंटीमेसी हो गई। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने इंडिया में देखा था, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या तो जो गांव में रहते थे या जो ऊंचे पदों पर थे, हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके पास प्राइड था, क्या था, प्राइड, उनके पास जो है गर्व था, गर्व था, गर्व के साथ साथ उनके पास जो मतलब प्राइड तो था ही देश के लिए, हमें हमारे मदरलैंड के लिए कितना प्राइड होता है, एंड लाइवली सेंस, और एक मतलब लाइवली उनके पास सेंस था किसका, डिसेंसी का। डिसेंसी का अर्थ होता है जब हम किसी को जो है एक गुड मैनर में मीट करते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं या उनका वेलकम करते हैं, एंड सिटीजनशिप, तो क्या कह रहे हैं कि वो जो जैसे लोगों को देखें तो भारत के लोगों को, चाहे वो गांव में रहें चाहे अच्छे पदों पर बैठे रहें, सभी लोगों को अपने मदरलैंड के लिए बहुत सारा गर्व, और अपनी सिटीजनशिप, अपनी नागरिकता को लेकर के सबके अंदर एक शिष्टाचार जिसे कहते हैं एटिक्वेट था। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके पास जो है वे सब के सब जो है एक उनके पास तीव्र इच्छा थी किसकी, इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की, या यहाँ पे चूंकि भारत तो स्वतंत्र हो गया था, मतलब वो सेल्फ होना चाहते थे, सब जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, यह जो छोटी सी लड़की, सुंदर लड़की जो कि गंदे जगहों पे पैदा हुई, गरीबी में पली बढ़ी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि अशिक्षित थी भाषा में भी और लहजों में भी, तौर तरीकों में, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, मीन्स हैड गिवन हिम अ ग्लिम्स, जिसने उनको एक झलक दिखलाई ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने भारत की जीवित आत्मा का या जीवंत आत्मा का एक झलक राइटर को दिखाया। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारे टेक्स्ट की जो एक्सप्लेनेशन हुए हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिस्निंग।